हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार, और ये है रिव्यू Zenfone Max Pro का। और Redmi Note 5 Pro के बाद ये एक फोन है जिसने मुझे सच में सेटिस्फाई किया है इसके प्राइस के हिसाब से। 13,000 में Asus ने हमें इस फोन में सब कुछ दे दिया, और काफी लोगों को ये चीज लगती है कि Xiaomi जो है Asus से ऊपर है। ऐसा नहीं है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके थोड़ी सी रिसर्च करें इस बारे में। बाकी इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। हम इसमें देखने को मिलती है 5.99 इंच की डिस्प्ले, जो कि एक फुल एचडी डिस्प्ले है, और 402 पिक्सल्स पर इंच वाली ये डिस्प्ले है, और हम इसमें 2.5D ग्लास देखने को मिलता है। जितने मेरे दोस्तों ने फोन देखा सबने इसकी डिस्प्ले की तारीफ करी, और सीरियसली इसकी डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है। इसमें बहुत ही अच्छे कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है, आपको डे लाइट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ना इस फोन में सबसे बड़ी कमी है ना इसकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है, हम इसमें गोरिल्ला ग्लास नहीं देखने को मिलता। तो अगर आप हो उन बंदों में से जो बहुत ज्यादा फोन गिराते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि गोरिल्ला ग्लास ना होने के बाद भी ये फोन की डिस्प्ले थोड़ी सी टफ है। काश गोरिल्ला ग्लास मिला होता, बट वही है कि प्राइस पर आकर सारी बात खत्म हो जाती है। चलो बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। अब सबसे खास बात पता है इस फोन की ये है कि हमें इसमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। साथ के साथ इसका डिजाइन बहुत ही स्लिम है और कमाल का है और लाइट वेट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करके दिखाई है Asus ने, जो आज तक किसी भी कंपनी नहीं की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इन दोनों फोन में से बताओ कि कौन सा Redmi Note 5 Pro है। अब आपको एक पोल दिखेगा ऊपर आई बटन में, उसमें वोट करो और बताओ कौन सा Redmi Note 5 Pro है, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला। ऑनेस्टली कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं सच में नहीं पहचान पाता अगर Asus नहीं लिखा होता तो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे Redmi Note 5 Pro में कैमरा बम था कि कैमरा थोड़ा सा उठा हुआ था, इस फोन में हमें वो कैमरा बम नहीं मिलता। डिजाइन के बारे में लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही सॉलिड फील वाला फोन है। जैसे Redmi Note 5 Pro का डिजाइन था वैसा इसका ही है, कमाल का है, 10/10। चलो इसके कैमरे के बारे में करते हैं। हमें इसमें देखने को मिलता है 13+5 megapixel का रियर कैमरा, जिसमें से 5 megapixel वाला जो है सेकेंडरी कैमरा है, जो कि बताएगा कि अपने सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में कितनी दूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्लर करके देगा। चलो अब आपको थोड़े से कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं। ये कुछ फोटोज है जो मैंने Zenfone Max Pro से खींची थी। अभी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, और हर अपडेट के बाद इसका कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है, और इसके बैक कैमरे की परफॉर्मेंस से मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, और इसका पोर्ट्रेट मोड भी मुझे बहुत ही कमाल का लगा। इसका रियर कैमरा तो अच्छा है, बट कमी आती है हमारे सेल्फी में। हमें इसमें देखने को मिलता है 8 megapixel का फ्रंट कैमरा, और अगर हम बात करें इसकी इमेज क्वालिटी की, तो मेरे को इतनी खास लगी नहीं। कुछ-कुछ फोटोज है जो अच्छी आ जाती है, बट जनरली इसमें थोड़ी सी सैचुरेशन की कमी रहती है, या फिर मैं कहूं थोड़ी शार्पनेस की भी कमी रहती है। अब ये एक ऐसी कमी है जो सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो सकती है। अगर आगे जाके ठीक होती है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अगर हम बात करें इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो बहुत ही शार्प हमारी वीडियो आई है, और साथ के साथ बहुत ही अच्छे कलर्स आए हैं, बट कमी आ जाती है हमारी स्टेबलाइजेशन में। इतनी स्टेबल वीडियोस नहीं मिलती जितनी हमारी Redmi Note 5 Pro से मिलती है। मेरे हिसाब से Asus ने इसके रियर कैमरे पे अभी तक फोकस किया है। चलो बात करते हैं इस फोन के थोड़े फीचर्स के बारे में। Asus ने फोन बहुत ही सोच समझकर बनाया है। रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद हमें इसमें डुअल वोल्टी देखने को मिलता है, जो कि सच में कमाल की बात है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि हमें इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है। इसका मतलब आप माइक्रो एसडी के साथ साथ दो सिम भी लगा सकते हैं। और इस फोन का ऑडियो आउटपुट मुझे बहुत ही कमाल का लगा, खासकर ब्लूटूथ में। पर कुछ वायर्ड हेडफोन से मुझे इतना अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिला, बट वायरलेस में तो बिल्कुल कमाल है। नेक्स्ट खास फीचर इस फोन का आ जाता है इसके स्पीकर्स। 5 magnet स्पीकर हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और उसके ऊपर हमें एक इसमें एक्सेसरी देखने को मिलती है जिसका नाम है मैक्स बॉक्स। अगर आप इसमें फोन रखते हो ना, तो हाँ हल्का फुल्का एम्पलीफाई हमारी ऑडियो करती है, नहीं तो आपके फोन के लिए एक स्टैंड तो जरूर बन जाता है। मेरे को बहुत ही यूजफुल लगी ये चीज। अगर आप FM रेडियो सुनना पसंद कर रहे हो, तो हाँ हमें इसमें सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट फीचर ये है कि हमें इस फोन में स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, वो भी लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑरियो। 13,000 में लेटेस्ट एंड्रॉइड, ये भी एक कमाल की बात है। बट एक है जो फीचर बहुत बड़ा मिसिंग है इस फोन में, वो है फास्ट चार्जिंग। ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। चलो बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज होने में पूरे 2.5 घंटे लगते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। और मुझे इस फोन से मिला पूरे 2 दिन का बैटरी बैकअप, जो कि बहुत ही कमाल की बात है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बैटरी बैकअप के मामले में तो फोन अल्टीमेट है, इसको कोई नहीं बीट कर सकता, और स्टॉक एंड्रॉइड तो बोनस है ही। चलो लास्ट बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 636, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, और इन सबके साथ तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर्ब है। इस फोन में हीटिंग इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, और डेली यूज के लिए तो ये फोन धासु है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देता है यार, आपको थोड़ा सा भी लैग महसूस नहीं होगा। चलो थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं इस फोन के बारे में। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना फास्ट नहीं है, अगर इसको बंद स्क्रीन से आप टच करोगे तो पूरे 1 सेकंड का डिले आता है। ये इस फोन का एंटीटू का स्कोर है, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी कमी नहीं है। यहां पर रिव्यू खत्म होता है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि
बहुत ही कमाल का फोन है, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। 5000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 636, ये तो पूरी लॉटरी वाला सीन है। तो अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन ढूंढ रहे हैं जिसकी बैटरी बैकअप भी बहुत ही कमाल का है, तो आंख बंद करके फोन ले लो। पर्सनली यार मुझे तो फोन बहुत ही कमाल का लगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके टेक गैंग को ज्वाइन कर लो। हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।